हिसाब से हम लोग टैंक का दायरा बढ़ाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, सभी को आप लोगों को सिविल सर्जन के द्वारा बोल दिया जाएगा, सबको हेल्प कर कोऑर्डिनेट कर दीजिएगा। रांची के प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में झारखंड महिला कांग्रेस की बैठक की गई। इस बैठक में अध्यक्ष पदाधिकारी शामिल हुए। आगामी झारखंड विधानसभा चुनाव की तैयारी को लेकर चर्चा हुई। बैठक में उपस्थित महिला कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि इस बैठक में आने वाले विधानसभा चुनाव में किस प्रकार से महिला कांग्रेस की भागीदारी होगी इस पर चर्चा की गई और विधानसभा चुनाव की तैयारी महिला किस प्रकार सुनिश्चित करेंगी इस पर भी विचार मंथन हुआ। देखिए, ये प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक बुलाई गई है जिसमें जिला अध्यक्ष हमारी प्रदेश से आई हुई हैं और हमारी प्रदेश पदाधिकारी। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर ये बैठक संपन्न हुई है जिसमें मैं दिल्ली अभी परसों ही आई हूँ। 24 तारीख को हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व के साथ ये मुझे सौभाग्य मिला कि मैं उस बैठक में शामिल हुई और महिला अध्यक्ष के नाते मैंने अपने प्रदेश की आधी आबादी की बातों को रखा और मजबूती के साथ रखा। मुझे खुशी इस बात की है कि मेरी बातों पे सहमति जताते हुए राष्ट्रीय नेतृत्व ने यह आश्वासन दिया कि इस विधानसभा में महिला कांग्रेस को और संगठन की महिलाओं को वो जगह दिया जाएगा। क्योंकि बीते लोकसभा चुनाव में थोड़ी उदासीनता थी, महिला कांग्रेस को जगह नहीं मिला। सरकार जो 5 साल चली उसमें बोर्ड निगम आयोग थे, महिला कांग्रेस को मेंबर्स या आयोग में कहीं भी जगह दिया जा सकता था लेकिन वो नहीं हो पाया। तो ये जो दिल की व्यथा थी वो हम लोगों ने सुनाया, लेकिन अभी आप देख रहे हैं कि अभी देश के जो हालात थे उस लोकेशन क्या होगा और उसका डेट कब होगा, इसलिए मैं अपनी जिला अध्यक्ष को मिलाई। ऊर्जा और उत्थान की बात है तो दिल्ली में जो 24 तारीख की बैठक हुई वो हमारी महिला कांग्रेस हमारी दानों को जब हमारे नेतृत्व में ही विधानसभा में भागीदारी देने की बात करती तो हम निश्चित तो 20 अगस्त को हमारे प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी जी की तो हम लोग उस दिन है। मैं अपने बड़े भाई माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी से कल बात की, हम सभी जिला में हेल्थ कैंप लगा। अगर किसी जिला में दो तीन जगह वैसा डिफिकल्ट जगह है जहाँ महिलाओं का नया अप्रूवल भी आया है, नई हमारी सदस्य भी जुड़ी है, उन सामनों का भी अभी हम लोग लेकर देंगे, उनको शुभकामनाएं देंगे। और जहां भी काम नहीं हो रहा है वहां पे अब